अब हम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टाउन प्लानिंग इज सीन इन हरप्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर में टाउन प्लानिंग देखी गई थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, जो कि वर्ल्ड फेमस थी। यूनिफॉर्मिटी इन टाउन, बाग्स, ग्रेनरीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एक्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो टाउन होते थे, बाथ यानी कि नहाने के लिए बाथरूम्स होते थे, ग्रेनरीज, फिर इंडस्ट्रियल यूनिट, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, वो सारे स्ट्रक्चर, मतलब ये सारे जो सोर्स होता है कि ये देख सकते कि हरप्पन सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें भी थी। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग का। तो हम इस बारे में ये जान सकते, इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी तो एंशियंट इंडिया में इंजीनियरिंग की भी नॉलेज भी हुआ करती थी। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। तो इन सब आर्किटेक्चर में केव आर्किटेक्चर इंक्लूड होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। फिर केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हिल्स ऑफ बारबर, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा एंड अमरावती। तो ये केव आर्किटेक्चर मतलब गुफाएं बनाई जाती थी। तो ये सब है। इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल वॉज फुल्ली डेवलप्ड इन इंडिया, मतलब कि मूर्तियाँ बनाने का जो एक कला होती है मूर्ति बनाने की, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी इंडिया में। टू आर्ट स्टाइल्स ऑफ आइडल आर्ट वेर प्रिवेलेंट इन एंशियंट इंडिया। दो टाइप के आर्ट होते थे मूर्ति बनाने के। फर्स्ट है गंधर आर्ट, विच वॉज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल, जो ग्रीक और इंडियन स्टाइल दोनों को मिला के बनाया जाता था। नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड गांधर इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब कि कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती है वो तक्षशिला में मिली थी, गांधर के अफगानिस्तान में भी मिली थी। बुद्धा स्टैच्यू वेर मेड इन लार्ज नंबर, बुद्धा के स्टैच्यू है वो बहुत ही सारे ज़्यादा मात्रा में मिले थे। लार्ज स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बमियान एंड चारसोडा इन स्टाइल, मतलब कि बुद्धा के जो स्टैच्यू थे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर पे मिले थे। कहाँ कहाँ मिले थे? तो बामियान में भी मिले थे और चारसोडा में भी मिले थे। अदर स्टाइल इज कम्प्लीटली इंडियन, और बाकी जो स्टाइल थी वो पूरी इंडियन थी। विच इज़ नोन एज अ मथुरा आर्ट, उसे मथुरा आर्ट कहा जाता था। इन इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धा स्टैच्यू वेयर मेड, उनमें सबसे पहले बुद्धा स्टैच्यू बनाया गया था। आफ्टर दैट आइडल ऑफ हिंदू डायनेस्टी वेयर ऑल्सो मेड इन स्टाइल। स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। तो अमरावती, अजंता और नासिक और सारनाथ, उन सब जगहों में से भी ये स्पेसिमेन मिले हैं। ओके, अब हम स्टूपास और विहारास के बारे में जानेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड्स स्टूपा, चैत्यास एंड विहारस। जो बुद्धिज्म की जो आर्किटेक्चर है उसमें स्टूपा, चैत्यास और विहारस का समावेश होता है। आफ्टर द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, मतलब कि गौतम बुद्ध के निर्वाणा के बाद, द मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ बिगन। मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टूपा, स्टूपा के फॉर्म में। दिस स्टूपास वेर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग वाजी यूनियन, वाजी संघ के दौरान ये स्टूपा पहली बार बनाया गया। द स्टूपा इज स्मॉल डोम शेप आर्किटेक्चर, स्टूपा है वो एक छोटे से डोम शेप का होता है। डोम शेप मतलब कि ऊपर से ऐसे गोल टाइप का होता है, इन द मिडल ऑफ विच द रिलिक्स ऑफ बुद्धा वेर बरीड एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन देयर। ऊपर गोल जैसा होता है डोम शेप का, और
नीचे जो है वो बुद्धा की जो कुछ अवशेष होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं, और बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वहाँ मेडिटेशन करने आते हैं। लेटर ऑन स्टूपा वेर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन अ लार्ज नंबर। फिर स्टूपा है वो इंडिया में भी बहुत नंबरों में कंस्ट्रक्ट किया गया, अमंग विच अशोका सांची स्टूपा, स्टूपा ऑफ लंबिनी एंड स्टूपा ऑफ सारनाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ ही अशोक का सांची का स्टूपा, लुम्बिनी का स्टूपा और सारनाथ का वो भी बहुत महत्व धराते हैं। द एम्परर्स आफ्टर अशोका ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ स्टूपा कंस्ट्रक्शन। अभी शासक थे अशोका के बाद भी जो शासक आए थे उन्होंने भी ये ट्रेडिशन चालू रखा कंस्ट्रक्शन बनाने का। द किंग्स ऑफ शुंग डायनेस्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड स्टूपा। जो शुंग डायनेस्टी थी उन्होंने स्टूपा के आजू बाजू वुडन वर्क करवाया, मतलब लकड़े का कुछ काम करवाया। कनिष्क गोट अ ह्यूज स्टूपा कंस्ट्रक्टेड इन पेशावर। कनिष्क को पेशावर में बहुत ही बड़ा स्टूपा कंस्ट्रक्शन मिला, विच इज कॉल्ड शाहजी की डेयरी, उसे शाहजी की डेयरी कहा गया। देर इज अ प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्टूपा। स्टूपा के आजू बाजू प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा मतलब चल के उसके आजू बाजू फिरना, उसे प्रदक्षिणा कहेंगे हम। चैत्य ऑल्सो आर मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। चैत्य भी एक मेजर सेंटर है बुद्धिस्ट आर्ट का। लाइक केव्स चैत्य वेर काउड इन माउंटेन। गुफाओं की तरह चैत्य भी पहाड़ों में बनाए जाते थे। इन केव्स ऑफ चैत्यस कॉलम, तो चैत्यस मतलब कि गुफाओं में क्या होता था, चैत्यस कॉलम बनाए जाते थे, फिर डोर्स दरवाजे हुआ करते थे। ह्यूज प्रेयर हॉल, एक प्रेयर हॉल भी बनाया जाता था। वेर काउड एंड वेर गिवन द शेप ऑफ टेम्पल, और उसको एक मंदिर का शेप दे दिया जाता था। दे वेर यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ प्रेयर, और उसी जगह को एक प्रार्थना करने की जगह बनाया जाता था। द कॉलम्स वेर फाइनली काउड, जो कॉलम थी वो बहुत अच्छे से बनाई गई थी। चैत्य ऑफ अमरावती भाज एंड करला हैव बिकम द वर्ल्ड फेमस। अमरावती का चैत्य, भाज और करला वो वर्ल्ड फेमस थे। द केव्स वेर मेड बाय कार्विंग माउंटेन्स, वो जो गुफाएं थी वो पहाड़ों को कार्व करके बनाई गई थी। फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मोंक, किसके लिए बनाई गई थी, तो जैन और बुद्धिस्ट साधु थे उनके लिए बनाई गई थी। विच वेर कॉल्ड विहारस, और उन्हें विहारस कहा गया था। जैन एंड बुद्धिस्ट मोंक स्टडीड इन दिस विहारस, जैन और जो बुद्ध के जो साधु होते हैं वो विहारस में आके ध्यान करते थे। यू एंड सांग नोटेड दैट देर वेर हंड्रेड्स ऑफ विहारस इन नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। यू एंड सांग जो चीनी यात्री है उन्होंने नोट किया कि 100 जितने विहारस नॉर्थ इंडिया और गुजरात में है। स्टेच्यू एंड मोन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो, जो स्टेच्यू और मोन्यूमेंट्स है वो जैन आर्किटेक्चर से भी बिलोंग करते थे। जैन स्टेच्यू ऑफ गोतेश्वर इन श्रावण बेंगलुरा इन वर्ल्ड फेमस, ये वर्ल्ड फेमस थे। अ नंबर ऑफ केव्स हैव बीन मेड इन फॉर लिविंग ऑफ जैन मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट भिक्षु, ये जो गुफाएं बनाई गई थी वो जैन और बुद्धिस्ट साधु को रहने के लिए बनाई गई थी। मेनी सच टाइप ऑफ केव्स आर लोकेटेड इन गुजरात, और ऐसी टाइप की जो गुफाएं हैं वो गुजरात में भी है। फिर हम देखेंगे हेरिटेज इन एजुकेशन। हम हेरिटेज इन एजुकेशन देखेंगे। लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड दैट हायर एजुकेशन एंड अ टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन इम्पार्टेड इन इंडिया सिंस 400 ईयर्स। मतलब कि अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन और उसकी टाउन प्लानिंग की जो डेवलपमेंट के बारे में देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में उस समय पे था, 400 साल पहले भी ये हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन था। रिमेन्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, और ऐसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट मोहनजोदारो में भी पाए गए हैं। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहेंगे। क्यों?
बिकॉज दे हैड अ नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी नॉलेज है. इट कैन बी सेड दैट केमिस्ट्री माइट हैव ऑल्सो डेवलप्ड एट दैट टाइम. ये भी कह सकते हैं कि उस समय में केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी. फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ्स, रोड्स शो डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. किले, घर, बाथ, रोड्स, ये सब हमें ये दिखाते हैं कि उस टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत थी. द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड शिपिंग, मतलब कि जो टेक्सटाइल और शिपिंग है उससे हमें ये पता चलता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम भी थी. हैड बीन होल्डिंग इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ हरप्पन कल्चर. हरप्पन कल्चर में भी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी थी उस समय पे. रिमेन्स ऑफ अ फाइव विद्यापीठ इम्पार्टिंग एजुकेशन विच कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली हैव बीन फाउंड. अभी पांच विद्यापीठ है एजुकेशन के लिए जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं. तक्षशिला नियर गांधर रीजियन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज अ ग्रेट एजुकेशनल ब्रिंग. तो तक्षशिला है जो गांधर रीजन में आई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो वो भी एक ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिमेज है. इट टॉट इथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, हिंदुइज्म एंड फिलोसॉफी. तो हमें वो विद्यापीठ से क्या सीखने को मिलता है, मतलब उस विद्यापीठ में क्या क्या सिखाया जाता था? इथिक्स सिखाए जाते थे, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिंदुइज्म, फिलोसॉफी, वो सब सिखाया जाता था. ग्रेट फिलोसोफर एंड रूलर लाइक पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक एंड बिकम रिनोम फ्रॉम दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. मतलब कि जो फिलोसोफर है बड़े बड़े जैसे कि पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, वो भी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके रिलेटेड है. वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन बिहार वॉज नोन एज अ नालंदा विद्यापीठ. अब ऐसे एजुकेशनल सिस्टम बिहार में है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है. यू एन सांग हैड ऑल्सो विजिटेड इट. यू एन सांग जो चीनी यात्री है वो वहाँ पे विजिट किए थे. हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्धा फिलोसॉफीज वेयर टॉट. और नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंदू और बुद्धा फिलोसॉफीज सिखाई जाती थी. नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज ग्रेट केमिस्ट. नालंदा विद्यापीठ से एक नागार्जुन करके थे, वो ग्रेट केमिस्ट थे. ही स्टार्टेड यूजिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने मर्क्यूरी की राख को मेडिसिन के तौर पे यूज किया था पहली बार. देर आर एविडेंस दैट देर वॉज अ ग्रेट विद्यापीठ इन वल्लभी ऑफ गुजरात इन सिक्स सेवन्थ सेंचुरी. सिक्स और सेवन्थ सेंचुरी में अगर देखा जाए तो गुजरात में वल्लभी विद्यापीठ करके थी. यूएन साग हैज रिटन अ लॉट रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी. यूएन साग ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत लिखा है. Many students used to come here to study. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे. Student had to give an entrance exam for admission. और इस विद्यापीठ में admission लेने के लिए उन्हें entrance exam exam देनी पड़ती थी. The principal would then take a written exam. अभी admission में entrance exam के बाद उनकी written exam ली जाती थी. And later they used to send a student for interview. उन्हें interview के लिए भी बुलाया जाता था. सच अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. अब उस समय में भी इतनी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थी. द नॉलेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज इम्पार्टेड अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. अभी तीन टाइप की नॉलेज, तीन धर्मों की नॉलेज दी जाती थी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म. और उसमें मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी कराया जाता था. इन बंगाल टू विद्यापीठ एग्जिस्टेड, नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी, वेयर अ लार्ज थ्री स्टोर यार्ड लाइब्रेरी ऑफ बुद्धिज्म वॉज बिल्ट. नाउ कॉइन्स, सिक्के. कॉइन्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडियन इन द पास्ट. जो एक सिक्के होते हैं वो बहुत महत्व पूर्ण सोर्स होता है ये जानने के लिए कि इंडिया बहुत ही समृद्ध था पहले के ज़माने में. ओल्डेस्ट कॉइन इन इंडिया आर नोन एज अ पंचमार्क कॉइन ऑफ फिफ्थ सेंचुरी BC. अब जो पुराने कॉइन्स होते हैं उन्हें पंचमार्क के नाम से जाना जाता था. आफ्टर वर्ड्स इंडो ग्रीक रूलर इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ गोल्ड कॉइन ऑन विच अ किंग्स मार्क. अभी इंडो ग्रीक रूलर थे, उन्होंने एक स्पेशल काइंड के गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए जिसमें राजा का कोई मार्क होता था, जैसे कि हिज फोटोज एंड हिज टाइम वॉज मैंशन. उसकी राजा की फोटो और उसमें उसका कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक उन्होंने शासन किया था वो नीचे लिखा जाता था. फ्रॉम दिस
वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टाइम. अब इसके इस मतलब उनका पीरियड लिखा जाता था, फिर राजा का फोटो होता था, तो इससे हमें उस टाइम के बारे में बहुत जानकारी मिलती है. द कॉइन ऑफ स्टूपा एज आर द बेस्ट. तो गुप्ता एज के जो कॉइन थे वो बेस्ट थे. समुद्रगुप्त कॉइन विद हिज पिक्चर ऑफ प्लेइंग वीणा इज एंड किलिंग लायन. तो समुद्रगुप्त के कॉइन में क्या था कि उनका पिक्चर था जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं और लायन को मार रहे हैं. कॉइन ऑफ चंद्रगुप्त विथ पिक्चर ऑफ अ किंग एंड क्वीन एंड गरुड़. चंद्रगुप्त के कॉइन में ये था कि उनकी पिक्चर थी, राजा की रानी की पिक्चर थी और गरुड़ की पिक्चर थी. चंद्रगुप्त सेकंड कॉइन एंड सी विक्रम्स एंड गरुड़ फ्लैग कॉइन हैव बीन फाउंड इन अ लार्ज नंबर. और ऐसे सारे कॉइन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिले हैं. दीज कॉइन्स आर मोस्टली ऑफ गोल्ड. और ये सारे कॉइन ज़्यादातर गोल्ड के ही होते थे. विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इमेंस प्रॉस्पेरिटी ऑफ द टाइम. अब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि पहले के टाइम में भी बहुत ज़्यादा समृद्धि थी इंडिया में. द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज. ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज आर फ्लरिशिंग एंड डेवलपिंग इन अवर कंट्री. मतलब सारी तरह की नॉलेज हमारे कंट्री में हुआ करती थी पहले के समय में भी. इंडियाज ग्रेट कल्चर हेरिटेज इज यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड. और इंडिया का जो कल्चर है वो सारी दुनिया से अलग है. तो ये था हमारा लेसन. थैंक यू सो मच.